हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। लाइव डिबेट में कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ता भिड़े। विधानसभा चुनाव की तिथि नजदीक आने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। दोनों प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता अब आरोप प्रत्यारोप लेकर आपस में भिड़ने लग गए हैं। ऐसे ही एक घटना हो गई है जिसमें जसवंत थड़ा में आयोजित एक लाइव डिबेट कार्यक्रम में भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद आक्रोशित कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी, वहीं दोनों ही दलों के उच्च पदाधिकारी तमाशबीन बने रहे। हालांकि इस दौरान वहां तैनात सिक्योरिटी गार्ड कार्यकर्ताओं को रोकते नजर आए, लेकिन चुनावी खींचतान को लेकर 40 मिनट तक हंगामा होता रहा और एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने से कुछ कार्यकर्ताओं को चोटें भी आईं। इस दौरान दर्जनों कुर्सियां टूट भी गईं। कार्यक्रम में जेडीए चेयरमैन प्रोफेसर महेंद्र सिंह राठौड़, महापौर घनश्याम ओझा और कांग्रेस के नेता सत्येंद्र भारद्वाज भी उपस्थित थे। इन सबकी गुजारिश के बावजूद कार्यकर्ता नहीं थमे। कार्यक्रम में तैनात सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी बीच बचाव कर मामला शांत करवाया। बाद में घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जहां जेडीए के पूर्व चेयरमैन राजेंद्र सिंह सोलंकी, कांग्रेस के संभागीय प्रवक्ता डॉक्टर अजय त्रिवेदी आदि कांग्रेसी नेता पहुंचे और घायलों की कुशल क्षेत्र पूछी। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।